हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस जो फर्स्ट ईयर की बुक है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कर्वेचर का, और कर्वेचर में हमने एक्सरसाइज 3A के एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अपना फिर चौथा एग्जाम्पल क्या है? चौथा जो एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? चौथा क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे के बता दूँ, आप खुद कर लेना है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² 2a - x अपॉन में कितना है? अपॉन x ये है। और इस वक्र में हमें क्या निकालना है? वक्र के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या, मतलब इसके शीर्ष, इसका जो शीर्ष है उस पर हमें क्या निकालनी है? वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या क्या निकालनी है? कर्वेचर रेडियस, और वो कितनी होती है? रो होती है। और रो कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास कार्तीय समीकरण है तो रो निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? रो इज इक्वल टू 1 + y² और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन में y". ये होता है रो निकालने का फॉर्मूला। अब हमें कौन से बिंदु पे रो का मान निकालना है? इसमें शीर्ष पर निकालना है रो का मान। अब हमें यहाँ पे अगर इसका शीर्ष पता हो तो हम रो का मान निकाल सकते हैं। और मैं आपको हिंट के लिए बता दूँ, इसका शीर्ष कितना होता है? 2a0 होता है। शीर्ष कितना होता है? 2a0। यहाँ पे हमें किस पे निकालना है? 2a0 पे किसका मान निकालना है? रो का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका वाई डैश निकालेंगे, फिर y" निकालेंगे। दोनों का मान निकाल के हम रो के अंदर इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? कर्वेचर रेडियस आ जाएगा। किस बिंदु पे? इसके शीर्ष 2a0 पे। ठीक है, फिर ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इसमें अपने पास है ये x की पावर 2/3, प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है ना ये। और इसमें बिंदु a cos, ये जो पॉइंट होता है ना इसका, a cos³θ और कितना a sin³θ, इस पॉइंट पे हमें किसका मान निकालना है? इस पॉइंट पे हमें किसका मान निकालना है? इस पॉइंट पे हमें रो का मान निकालना है। किसका? कर्वेचर रेडियस का। कर्वेचर रेडियस का मान निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं ये कार्तीय समीकरण है ना, और कार्तीय समीकरण में रो निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको। तो उस फॉर्मूले से हमें किस किस का मान चाहिए? यहाँ से हमें y' और y" की वैल्यू चाहिएगी यहाँ से। तो क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन का x के सापेक्ष क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे। तो x की पावर 2/3 का कितना हो जाएगा? 2/3 x की पावर 2/3 - 1 कितना होगा? -1/3। ठीक है, फिर प्लस 2/3 y की पावर -1/3, और जब y का करेंगे तो y का x के सापेक्ष मैंने कितना लिख दिया? y', या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx भी लिख सकते हैं। a की पावर 2/3 कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से 2/3 कॉमन लेके उधर भेज दूंगा तो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से देखो, x की पावर 1/3 को भी वहाँ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या आया? y की पावर -1/3 y' इज इक्वल टू -x की पावर 1/3, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से y' कितना आ जाएगा? y' आ जाएगा x / y की होल पावर -1/3, और ये माइनस में। अब ये जो पावर माइनस में है ना, इसको जब प्लस में बनाएंगे तो x तो नीचे चला जाएगा और y कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन गया अपना, ये तो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, पहले किया था ना ये। यहाँ से y' इतना आया, फिर y" निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो शायद रोहो का मान वो कितना आया था? यहाँ से रो का मान आया था अपने पास 3a xy की होल पावर 1/3, ये आया, था अपने पास यहाँ से रोहो का मान। और इस रोहो के मान में अपन क्या कर देंगे? एक्स की जगह तो रख देंगे a cos³θ, और वाई की जगह क्या रख देंगे? a sin³θ। तो यहाँ से रो निकाल सकते हैं। चलो मैं फिर से करके बता देता हूँ आपको ये कैसे आया है ना। तो y" कैसे निकालेंगे? इसका फिर से अवकलन, तो क्या करेंगे? माइनस को बाहर ले लिया, माइनस को बाहर लेने के बाद में y/x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? x की पावर 1/3 बाहर लिख देंगे, y की पावर 1/3 का डिफरेंशियल। y की पावर 1/3 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1/3
y की पावर 1 बाई थ्री माइनस वन, 1 बाई थ्री माइनस वन कितना होगा माइनस टू बाई थ्री। फिर y डैश मतलब y का भी तो डिफरेंशियल होगा ना, तो y डैश कितना है, y डैश का मान कितना है, ये मान है, ये मान फिर से पुट कर देंगे यहाँ से, तो माइनस है ना, तो माइनस को क्या ले लिया, पहले ही बाहर ले लिया। फिर कितना y की पावर 1 बाई थ्री अपोन में x की पावर कितनी, x की पावर यहाँ से 1 बाई थ्री, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर माइनस पहले किसका किया, x की पावर 1 बाई थ्री को ऐसे कैसे रखा और y की पावर 1 बाई थ्री को रख का डिफरेंशियल किया। अब y की पावर 1 बाई थ्री को सेम टू सेम एज इट इज ऐसे रखेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे, x की पावर 1 बाई थ्री का, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई थ्री x की पावर माइनस टू बाई थ्री। यहाँ से जब x का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होने वाला है, 1 होगा, ठीक है। फिर जो अपॉन में है उसका स्क्वायर होता है, तो अपॉन में x की पावर 2 बाई थ्री है ना, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 1 बाई थ्री है और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 2 बाई थ्री। यहाँ से y डबल डैश अपना आ गया कितना, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे और बाहर माइनस पहले से है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की पावर 1 बाई थ्री और यहाँ भी x की पावर 1 बाई थ्री कैंसिल हो जाएंगी, है ना, और जो 1 बाई थ्री है यहाँ भी 1 बाई थ्री है, तो बाहर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 1 बाई थ्री को बाहर कॉमन ले लिया, इसको भी यहाँ पे लिख दो x की पावर 2 बाई थ्री। अब देखो अंदर कितना बचा है, यहाँ से माइनस कैंसिल कर दिया ना, यहाँ भी माइनस, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया ना, यहाँ से कितना बचा, वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री और y की पावर, देखो इन पावर को ऐड कर दो, y की पावर माइनस टू बाई थ्री और y की पावर 1 बाई थ्री कितना बन जाएगी, यहाँ से पावर कितनी बन जाएगी, y की माइनस 1 बाई थ्री, ठीक है। अब माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस ही बचेगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं, y की पावर 1 बाई थ्री और x की पावर माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, x की पावर 2 बाई थ्री अपॉन में इसको मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब देखो y डबल डैश इज इक्वल टू, जो x की पावर 2 बाई थ्री है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचा, कितना बनेगा यहाँ से, x की पावर माइनस टू बाई थ्री, टू बाई थ्री ऊपर जाएगा माइनस टू बाई थ्री बना लेगी ना, और यहाँ से y की पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस y की पावर वन बाई थ्री एज इट इज लिख दिया और x की पावर माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ भी x की पावर माइनस टू बाई थ्री है तो x की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस फोर बाई थ्री, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या बनाऊँगा मैं, यहाँ से बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी x और y की पावर में आ रही है, तो अगर मेरे पास ये बन जाए यहाँ ब्रैकेट के अंदर, अगर मेरे पास ये बन जाए कितना, x की पावर 2 बाई थ्री प्लस y की पावर 2 बाई थ्री, अगर मेरे पास ब्रैकेट में ये आ जाए तो इस दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 2 बाई थ्री लिख सकता हूँ ना, a की पावर 2 बाई थ्री लिख सकता हूँ ना इनको, तो ये बनाने के लिए यहाँ से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ मेरे को क्या बनाना है, y की पावर 2 बाई थ्री बनाना है ना, यहाँ पे y की पावर 2 बाई थ्री बनाना है, ये बीच में एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, तो इसको एक तो ये कॉमन ले लूँगा, एक तो कॉमन क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस फोर बाई थ्री। अब यहाँ से कितना है पावर, y की पावर 1 बाई थ्री है और मेरे को बनाना कितना है, y की पावर 2 बाई थ्री बनाना है, तो कॉमन क्या लूँगा, माइनस 1 बाई थ्री कॉमन लूँगा, ताकि यहाँ से क्या बन जाए, पावर y की 2 बाई थ्री बन जाए, ठीक है। तो अंदर कितना हो गया, यहाँ से x की पावर 2 बाई थ्री प्लस y की पावर 2 बाई थ्री, अगर चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, और अपॉन में कितनी, कितना 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो y डबल डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बाई थ्री x की पावर माइनस फोर बाई थ्री, वाई की पावर माइनस 1 बाई थ्री और यहाँ से a की पावर 2 बाई थ्री, यहाँ से अपना आ गया y डैश भी आ गया अपने पास, y डबल डैश भी आ गया। अब रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो का फॉर्मूला कितना होता है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है किन के लिए, कार्तीय इक्वेशन के लिए रो का मान होता है 1 प्लस y डैश का स्क्वायर की होल पावर 3 बाई टू अपॉन में y डबल डैश, ये होता है रो, ठीक है। तो रो में मान रख दो इनका कितना, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर मतलब y अपॉन x की होल पावर, ये 1 बाई थ्री है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस 1, माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, y की पावर 2 बाई थ्री अपॉन में x की पावर 2 बाई थ्री और इसकी होल पावर 3 बाई टू, ये लिख सकता हूँ ना, अपॉन y डबल डैश, y डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 1 बाई थ्री है, 1 चलो फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे y डबल डैश है,
वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर है ना, तो क्या लिखूंगा यहाँ से, वाई की पावर टू बाई थ्री अपॉन में एक्स की पावर टू बाई थ्री और इसकी होल पावर थ्री बाई टू, ये ठीक है। अब देखो y डबल डैश नीचे है, यहाँ भी 1 बाई थ्री है, तो 1 बाई थ्री ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये पावर कितनी है, x की पावर माइनस 4 बाई थ्री यहाँ से लिखूंगा, इससे अच्छा है मैं x की पावर 4 बाई थ्री यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे माइनस में लिखना पड़ेगा, ऊपर में सीधा लिख दिया इसको, वाई भी माइनस में है ना, तो इसको भी ऊपर भेज दो, वाई की पावर 1 बाई थ्री, ये जो प्लस की पावर है ये मैं नीचे लिख लूँगा, ए की पावर 2 बाई थ्री, कैसे भी लिख लो, है ना। अब देखो रो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बाहर कॉमन है। अब देखो x की पावर 2 बाई थ्री एलसीएम लेंगे, x हाँ x की पावर 2 बाई थ्री, जब एलसीएम लेंगे तो x की पावर 2 बाई थ्री बाहर भी लेंगे साथ में, तो x की पावर 2 बाई थ्री और x यहाँ से पावर 3 बाई टू, तो क्या बनेगा 1 अपॉन x बन जाएगा, 1 अपॉन x, और x को मैंने कहाँ लिख दिया, x को नीचे लिख दिया क्योंकि 1 अपॉन में है ना, तो x को मैंने कहाँ पे लिख दिया, x को नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बना, x की पावर 2 बाई थ्री एलसीएम लेने के बाद में y की पावर भी 2 बाई थ्री और उसकी होल पावर कितनी 3 बाई टू, एक्स को नीचे लिख दिया, यहाँ से a की पावर कितनी है 2 बाई थ्री, यहाँ से x की पावर 4 बाई थ्री और y की पावर 1 बाई थ्री एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रोहो बराबर आ जाएगा अपना कितना, ये कितना हो गया, a की पावर 2 बाई थ्री हो गया ना, और 2 बाई थ्री की पावर 3 बाई टू है, तो पावर दोनों से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बना 3a बना। ऊपर देखो यहाँ भी एक्स की पावर कितनी है 1, वहाँ पे कितनी एक्स की पावर 4 बाई थ्री, तो ये 4 बाई थ्री में से माइनस 1 हो जाएगी, तो कितनी बनेगी एक्स की पावर 1 बाई थ्री, वाई की पावर भी कितनी है अपनी 1 बाई थ्री है, ए की पावर एक्स की, ये तो ऊपर भेज चुका हूँ मैं, तो ए की पावर यहाँ से कितनी बच गई है 2 बाई थ्री। अब इसको सोल्व करो फिर से, यहाँ कितना है 3 ए की पावर 1 है और नीचे कितनी ए की पावर 2 बाई थ्री, तो 1 माइनस 2 बाई थ्री कितना हो जाएगा प्लस का 1 बाई थ्री, 1 माइनस 2 बाई थ्री कितना 1 बाई थ्री, तो एक 3 ए की पावर 1 बाई थ्री, एक्स की पावर कितनी 1 बाई थ्री और वाई की पावर भी कितनी 1 बाई थ्री, तो यहाँ से रोहो का मान कितना आ गया 3 ए एक्स वाई की होल पावर कितनी 3 बाई टू 1 बाई थ्री, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये जो कर्वेचर रेडियस आई है ना अपने पास, क्या आई है कर्वेचर रेडियस आई है, वो कहाँ पे निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है अपने को, ये पॉइंट दिया हुआ है अपने पास ए कोस क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा, इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है कर्वेचर रेडियस निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो कहाँ क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे, एक्स की जगह तो रख देंगे ए कोस क्यूब थीटा और वाई की जगह क्या रख देंगे ए साइन क्यूब थीटा, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा अपना कर्वेचर रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो 3 ए की जगह कितना, ए कांस्टेंट है, ए का ए सेम लिख दिया, एक्स की जगह कितना, एक्स की जगह ए कोस क्यूब थीटा गुणा में वाई की जगह कितना, वीडियो चल रहा है ना, वाई की जगह कितना ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो ए ए ए और इसकी होल पावर कितनी है 1 बाई थ्री भी तो है ना, तो रोहो बराबर आ गया 3। अब देखो ए क्यूब और पावर कितनी 1 बाई थ्री, तो बाहर लेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ए ही आएगा ना, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा और इनकी पावर भी कितनी है 1 बाई थ्री है, तो क्या बन जाए, क्या बन के आएगा बाहर, साइन थीटा और कोस थीटा, ये बन के ही तो आएगा। अब देखो थोड़ा इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से और यहाँ भी क्या कर दो 2 से, क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा ये कितना होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ से कितना बच गया 3 ए बाई 2 बाहर आ गया और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा के, यही हमें क्या करना है प्रूव करना है कि कर्वेचर रेडियस पॉइंट ए कोस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा पे कर्वेचर रेडियस कितनी आती है एस्ट्रॉइड की 3 ए बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखो 7th क्वेश्चन देखो, बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना वो आपको खुद को करने हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन में अपने पास केटनरी है और केटनरी का समीकरण कितना होता है y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपॉन में कितना c
इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, x अपॉन कितना है a है, और इसके लिए हमें प्रूव क्या करना है कि जो इसकी कर्वेचर रेडियस है, कर्वेचर रेडियस रो का मान कितना प्रूव करना है, वाई स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन ए, ये कर्वेचर रेडियस प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, हमें पता है कार्तीय वक्र है, कार्तीय वक्र के लिए रो निकालना हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वाई डैश निकालेंगे। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, तो पहले क्या निकालेंगे, वाई डैश निकालेंगे। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कोस हाइपरबोलिक थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस में होता है। फॉर्मूले बताए थे ना आपको तीनों, कोस हाइपरबोलिक थीटा कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, और थीटा किसी का कितना है, एक्स अपोन ए। फिर थीटा का जब करेंगे, एक्स अपोन ए का करेंगे, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वन अपोन ए, ए से ए कैंसिल होकर वाई डेस का मान कितना आ जाएगा अपने पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए, ये आ गया अपने पास वाई डेस। फिर क्या निकालेंगे, वाई डबल डेस निकालेंगे। साइन हाइपरबोलिक थीटा कितना होता है, कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस में ही होते हैं दोनों, ध्यान रखना है ना। तो ये आ गया कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए। फिर एक्स अपोन ए का करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपोन ए इसके मल्टीप्लाई में, दोनों वैल्यू आ गई अपने पास, आ गई ना दोनों। अब क्या कर देंगे, रोह के मान में इस इन दोनों वैल्यूओं को रख देंगे, तो रोह बराबर आ जाएगा कितना, वन प्लस वाई डेस का स्क्वायर होता है, किसका, वाई डेस का स्क्वायर। वाई डेस कितना है, साइन हाइपरबोलिक है ना, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी होती है, थ्री बाई टू अपोन में वाई डबल डेस। अब वन अपोन ए, तो वन अपोन ए को मैंने ए को कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, और ये कितना, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, अगर मैं ये लिख दूँ तो ये किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस लगा दूँ और हाइपरबोलिक लगा दूँ तो क्या होगा, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस किसी का क्या लिख दूँगा मैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपोन ए, थीटा किसी का एक्स अपोन ए है ना। अब देखो स्क्वायर लगाऊंगा और ऊपर पावर कितनी है, थ्री बाई टू है, तो टू से टू कैंसिल होगी, यहाँ पे पावर कितनी बना लेगी, पावर कितनी बना लेगी, यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ से पावर कितनी बन जाएगी, थ्री पावर बन जाएंगी, और नीचे कितना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, तो ए कैंसिल हो गया, तो कितना आया अपने पास, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ये अपना क्या आ गया, रो का मान आ गया, क्या आ गया, कर्वेचर रेडियस आ गया। लेकिन हमें प्रूव कितना करना है, प्रूव करना है अपने को वाई स्क्वायर अपोन ए, मतलब हमें वाई में वैल्यू चाहिए। तो वाई में कैसे निकालेंगे, यहाँ से कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए का मान निकाल सकते हैं ना, यहाँ से कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन ए का मान कितना आएगा, वाई अपोन ए। तो यहाँ से लिख दो, इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो वाई स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई में ए भी तो था ना, ए को छोड़ दिया अपन ने, ए भी तो है मल्टीप्लाई में, और यहाँ से मल्टीप्लाई में जब ए करेंगे तो यहाँ से रो का मान कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपोन में ए। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है वाई स्क्वायर अपोन ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में ए भी तो था ना, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपना वाई स्क्वायर अपोन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका देखो एक और पार्ट दे रखा है इसमें, दूसरा भी क्वेश्चन इसमें है कि एक समान शक्ति वाली कैटेनरी, एक और कैटेनरी दे रखी है, इसमें क्या है, वाई बराबर सी लोग सेक एक्स अपोन सी है ना, और उसकी भी कर्वेचर रेडियस निकालनी है। तो ये कर लोगे ना, कितना है, वाई बराबर सी लोग सेक एक्स अपोन सी, इतना ही है ना, वाई बराबर सी लोग सेक एक्स अपोन सी। हाँ, इसमें भी हमें कर्वेचर रेडियस कितनी प्रूव करनी है, बोलना, वाई कितनी है, सी सेक एक्स अपोन सी, सी सेक एक्स अपोन सी, ये कर्वेचर रेडियस निकालनी है। तो पहले क्या निकालेंगे, वाई डेस कितना आ जाएगा, शॉर्ट में बता दूं क्या, थोड़ा सी अपोन में सेक एक्स अपोन सी, फिर सेक एक्स अपोन सी का कितना होगा, सेक एक्स अपोन सी टेन एक्स अपोन सी है ना, और वन एक्स अपोन सी का वन अपोन सी, तो यहाँ से सी कैंसिल, सेक से कैंसिल, तो कितना बना लेगा ये, टेन एक्स अपोन सी, ये तो आ गया अपना किसका मान, वाई डेस का। फिर वाई डबल डेस कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई डबल डेस आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपोन सी, और इसका करेंगे एक्स अपोन सी का, तो आ जाएगा अपना वन अपोन सी, ये दोनों मान आ गए। अब यहाँ से रो निकाल सकते हो, तो रो बराबर आ जाएगा वन प्लस वाई डेस का स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के,
साइन सेक स्क्वायर के सॉरी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी और उसकी होल पावर कितनी है 3/2, क्योंकि 1 + tan² था ना, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर, सीधा लिख दिया मैंने। और यहाँ से 1/c है ना, तो उसको c को क्या लिख दिया मैं ऊपर, और यहाँ से क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। अब यहाँ से पावर कितनी बचेगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में कितनी बचेगी पावर 3, और यहाँ 2 है तो कैंसिल होगी, ऊपर कितनी बन जाएगी सेक सी सेक एक्स अपॉन सी। यही क्या करना है हमें प्रूव करना है, ठीक है, लिख रहे हो क्या? अब देखो एट क्वेश्चन देखो इसका, इसमें पॉइंट है 1/4, 1/4 पे वक्र, अच्छा ठीक है, अपने पास करो कितना है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू कितना 1 है ना। इस कर्व पे हमें किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है, और किस पॉइंट पे 1/4, 1/4 रो का मान किस पॉइंट पे निकालना है 1/4, 1/4 इस पॉइंट पे हमें रो का मान निकालना है, और कर्व का समीकरण कितना है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अब तो याद हो गया होगा, पहले क्या निकालेंगे y डैश निकालने के लिए क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 रूट एक्स, फिर x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 ही होगा, फिर प्लस 1/2 रूट वाई। अब y का अगर करेंगे तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू 1 का कितना 0, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से y डैश सीधा बराबर लिख दूँ क्या मैं, y डैश कितना आ जाएगा माइनस में रूट वाई अपॉन के वाई अपॉन एक्स, ठीक है, y डैश आ गया माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। अगर अब हमें y डैश किस पॉइंट पे निकालना है 1/4, 1/4 पॉइंट पे निकालना है, तो y डैश सीधा ही रख दो, y डैश बराबर यहाँ से पॉइंट लिख दो किस पे 1/4, 1/4 पे y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि y की जगह भी 1/4 रखेंगे और x की जगह भी क्या रखेंगे 1/4, तो यहाँ से y अपॉन एक्स है ना, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, और माइनस में रूट 1, और रूट 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ से y डैश आ गया माइनस 1। फिर क्या निकालेंगे y डबल डैश, तो y डैश की वैल्यू ये है ना, तो y डबल डैश की क्या हो जाएगी माइनस, तो ले ले मैंने माइनस तो ले लिया बाहर। अब देखो रूट एक्स का कितना होता था 1/2 रूट एक्स, क्या होता था 1/2 रूट एक्स, यहाँ से x कितना है y अपॉन एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x y अपॉन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा उल्टा, रूट वाई अपॉन एक्स लिखूंगा ना, तो y के अपॉन में x आएगा और x कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया इसका 2√y, ठीक है। फिर किसका करूँगा, रूट का तो कर दिया, अब करूँगा मैं y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल, किसका y अपॉन एक्स का, तो y अपॉन एक्स का क्या कैसे हो जाएगा x, पहले x फिर y का डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल कितना y डैश, और y डैश का मान किस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि ये भी जाके हमें फाइनली किस पे निकालना पड़ेगा 1/4, 1/4 पे निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है मैं y डैश की जब वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो 1/4, 1/4 पॉइंट पे ही रख दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो y डैश का मान कितना है माइनस 1 है ना, तो सीधा y डैश ये मान ही रख दो, ये रखोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इससे भी हो जाएगा ये, तो माइनस एक्स, फिर कितना माइनस में, और वाई की जगह y, और x का कितना डिफरेंशियल 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। अब y डबल डैश किस पॉइंट पे निकालना है अपने को 1/4, 1/4 पे निकालना है ना, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, और बाहर भी माइनस है तो दोनों मिला के क्या बना लेंगे प्लस 1/2। अब देखो यहाँ भी रूट एक्स अपॉन रूट वाई है, रूट एक्स अपॉन रूट वाई दोनों क्या हो जाएंगे पॉइंट इस पे क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ से दोनों कैंसिल होने के बाद में कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई, मतलब 1/4 प्लस 1/4 अपॉन में 1/16, एक्स स्क्वायर है मतलब 1/4 का स्क्वायर कितना 1/16, तो यहाँ से वाई डबल डैश कितना आ गया अपने पास 1/2 इंटू में ये कितना 1/2 इंटू में ये भी तो 1/2 होता है, और ये जो 1/16 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना मान 4 आ गया, मतलब y डैश का मान कितना आया माइनस 1 और y डबल डैश का मान कितना आ गया 4, ये मान किस में रख दो रो वाले इक्वेशन में, तो रो बराबर आ जाएगा अपना 1 प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 की होल पावर 3/2, y डबल डैश कितना 4, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 कितना होता है 2√2 अपॉन में 4, तो यहाँ से कितना बन गया ये 1/√2, क्या आ जाएगा 1/√2, क्यों आया
टू से टू टाइम कैंसिल। अब देखो रूट टू से इसको भी रूट टू टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये माना गया अपने पास है किसका, कर्वेचर रेडियस का, पॉइंट वन बाई फोर, वन बाई फोर से, ठीक है। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन कर लोगे ना, कर्व दे रखा है फोर साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स के पॉइंट एक्स बराबर पाई बाई टू पे। पहले वाई डैश निकालेंगे और वाई डैश निकालने के बाद में किस पॉइंट पे निकालेंगे, पाई बाई टू पॉइंट वाई डैश का मान निकालेंगे। फिर वाई डबल डैश निकालेंगे और वाई डबल डैश का मान किस पॉइंट पे, एक्स बराबर पाई बाई टू पॉइंट पे निकालेंगे। वाई डैश और वाई डबल डैश के मान जो भी आएंगे उनको क्या कर देंगे, जो रो वाली इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास से कर्वेचर रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंथ वाला क्वेश्चन देख लो, टेंथ क्वेश्चन में क्या है अपने पास, इक्वेशन है एस स्क्वायर इज इक्वल टू एट ए वाई, और इसमें रो हमें कितना प्रूव करना है, जो रो का मान है ना वो प्रूव करना है अपने को, रो इज इक्वल टू फोर ए रूट ऑफ वन माइनस वाई अपॉन टू ए, ये प्रूव करना है रो का मान, ठीक है। अब ये देखो रो का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कर्व को देखते हैं कि कर्व कौन सी इक्वेशन में है। अब यहाँ से y तो आ रहा है लेकिन s आ रहा है, y और s दोनों साथ में आ रहे हैं। जब एक्स वाई आता है तब तो हम क्या सोचते हैं, इक्वेशन किस फॉर्म में है, कार्तीय फॉर्म में। लेकिन जब s आ जाता है तो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, नेज समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती है, नेज समीकरण, क्योंकि जो नेज समीकरण होती है उसमें कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, एक तो एस आता है और दूसरा क्या क्या आता है, एस और साई। जब एस और साई में इक्वेशन होती है ना तो वो क्या होती है, नेज समीकरण। और एक्स और वाई में इक्वेशन होती है वो किस में होती है, कार्तीय समीकरण। तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं अपने पास, दोनों ही आ रहे हैं ना, तो इसका क्या कर देंगे अपन, साई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, साई के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से, एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2s, फिर s का साई के सापेक्ष क्या होगा, डी एस अपॉन डी साई। फिर यहाँ से 8a कॉमन, y का साई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी साई। तो यहाँ से जब किसका किया, y का डिफरेंशियल किया साई के सापेक्ष, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा s, अब ds एस बाई डी साई कितना होता है, हम जानते हैं ds एस बाई डी साई कितना होता है, रोह के बराबर ही होता है, ds एस बाई डी साई रोह के बराबर ही होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। और ये कब होता है, जब अपने पास नेज समीकरण दी हुई होती है ना, नेज समीकरण यदि अपने पास दी हुई होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं रोह का, ds एस अपॉन डी साई, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ds एस अपॉन डी साई, ये वैल्यू होगी रोह के बराबर। टू से ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितने टाइम, फोर टाइम। और यहाँ से dy वाई अपॉन डी साई को क्या लिख सकता हूँ मैं, s से यहाँ से क्या कर दिया, ds से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया dy वाई बाई डी एस और ds एस बाई डी साई, ठीक है। अब देखो यहाँ से s रो इज इक्वल टू कितना, 4a। अब dy वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस में लिखा चुका हूँ आपको कि dy वाई बाई डी एस कितना होता है, dy वाई बाई डी एस ये होता है साइन फाई के, किसके बराबर होता है, साइन फाई या साई, क्या होता है ये, साइन साई के बराबर होता है। डी वाई बाई डी एस किसके बराबर होता है, साइन साई। डी वाई बाई डी एस किसके बराबर, साइन साई के। और ये किसके बराबर होगा, डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई क्या रख देंगे, फिर से रो रख देंगे, यहाँ से फिर से क्या रख देंगे, रो। तो ये तो आ गया क्या, साइन साई, और ये बन गया रो। अब रो से रो कैंसिल हो जाएगा, रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपने पास इक्वेशन, आ गई s इज इक्वल टू 4a साइन साई, इसको इक्वेशन नंबर वन बना लेंगे। लेकिन हमें तो किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है, लेकिन हमने यहाँ तो क्या कर दिया, रो से रो को कैंसिल कर दिया, रो का मान हमें निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब इस इक्वेशन का फिर से क्या कर देंगे, साई के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। फिर से क्या कर देंगे, साई के सापेक्ष अवकलन, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई, क्या कर देंगे, फिर से साई के सापेक्ष जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा कितना, डी एस अपॉन डी साई। अब ये डी एस अपॉन डी साई किसके बराबर हो जाएगा, रोह के बराबर हो जाएगा ना, डी एस अपॉन डी साई रो होता है, तो यहाँ से रोह बराबर आ गया 4a, और साइन साई का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस साई, कितना होता है,
कोस साई, लेकिन यहाँ से हमें रो की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, 4a तो आ गया अपना, 4a यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन रूट रूट की जगह यहाँ से हमें क्या आ रहा है, कोस वाई मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कोस वाई को किस में बनाना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन 2a में बनाना होगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 देखो एक बार। इक्वेशन 1 से साइन साई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इक्वेशन 1 से किसका मान निकालेंगे, साइन साई किसके बराबर आ जाएगा, एस अपॉन 4a, कितना आ जाएगा, एस अपॉन 4a। और यहाँ से ये जो है कोस साई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस साई को क्या लिख सकता हूँ, 4a रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, कोस साई को लिख सकता हूँ ना ऐसे, और साइन साई की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, एस अपॉन 4a रख दूंगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा अपना रो बराबर रूट 4a रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, कितना, एस स्क्वायर अपॉन में कितना, 16a स्क्वायर। फिर भी अपना मान नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, वाई अपॉन 2a, लेकिन अपने पास किस में आ रहा है, एस में आ रहा है, तो एस की जगह वाई वाला मान रखना पड़ेगा। और हम जानते हैं इक्वेशन अपने पास क्या दी हुई है, एस स्क्वायर बराबर 8y है, कितना है, एस स्क्वायर बराबर 8y। तो एस स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे यहाँ से, 8ay रख देंगे, क्या रख देंगे, 8ay। तो यहाँ से रो का मान कितना आ जाएगा, 4a रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर की जगह कितना रखा, 8ay अपॉन में 16a स्क्वायर। तो अब आ गया अपना कितना, 4a रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या बना, a से a कैंसिल, तो ऊपर बन गया y और नीचे कितना, 2a, ये आ गया अपने पास रो का मान। ठीक है, लिख लिया ना इसको। फिर 11वां कर लोगे या बताऊं? ग्यारहवां क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो देख लो क्या दे रखा है, x बराबर a cos s अपॉन a, x बराबर a cos x अपॉन a, और y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर साइन a साइन s अपॉन a, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से अपने को मान निकालना है किसका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, मान रो का मान निकालना है। तो देखो इक्वेशन अपने पास किस फॉर्म में है, इक्वेशन है अपने पास कौन से फॉर्म में है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जहाँ किस में होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक तो एक्स बराबर एफ टी में फंक्शन होता है, और दूसरा होता है वाई बराबर दूसरा कोई फंक्शन फाई ले लिया, और वो भी कोई किसका फंक्शन होता है, टी का। और पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हम जानते हैं रो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है उससे थोड़ा। यहाँ से रो निकालने का फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए, रो बराबर होता है एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर, और उसकी होल पावर कितनी, 3/2, फिर एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस एक्स डबल डेस वाई डेस, ये होता है। अब यहाँ एक्स डेस क्या है, एक्स डेस है डी एक्स बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है क्या, एस है, क्या है पैरामीटर, यहाँ से एस पैरामीटर है। ठीक है, कोस एस अपॉन नहीं, यहाँ एक्स नहीं होगा, एस होगा यहाँ से, यहाँ पे कितना है, एस है। तो यहाँ से अपने पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें पैरामीटर कितना है, एस पैरामीटर है। तो एक्स का मान, एक्स डेस क्या होगा, डी एक्स बाई डी एस, वाई डेस क्या होगा, डी वाई बाई डी एस, एक्स डबल डेस क्या होगा, एक्स डबल डेस होगा डी टू एक्स बाई डी एस टू। ठीक है, तो यहाँ से ये चारों मान निकाल लो पहले, पहले किसका मान निकालो, एक्स डेस निकालो, किसका मान निकालो पहले, एक्स डेस का, और एक्स डेस क्या होगा, एक्स डेस होगा डी एक्स बाई डी एस, और ये होगा कितना, एस के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो ए कॉन्स्टेंट बाहर, कोस का कितना होता है, माइनस साइन होता है ना, ये माइनस, और एक्स एस अपोन ए का 1/a। तो यहाँ से एक्स डेस क्या आ गया, एस एक्स डेस आ गया अपना माइनस साइन एस अपोन ए। फिर क्या निकालेंगे, वाई डेस, तो डी वाई बाई डी एस, वाई डेस कितना आ जाएगा, इसका कर दो, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और फिर कोस एस अपोन ए और 1/a, तो वाई डबल डेस कितना, वाई डेस कितना आ जाएगा, वाई डेस आ जाएगा अपना कितना, कोस एस अपोन ए। फिर देखो
एक्स डबल डैश की वैल्यू निकालो, एक्स डबल डैश कितना आएगा, माइनस है ना, तो माइनस कोस एस अपॉन ए और इसका आ जाएगा वन अपॉन ए। फिर उसी तरीके से वाई डबल डैश निकाल सकते हैं, वाई डबल डैश कितना आएगा, माइनस साइन एस अपॉन ए और वन अपॉन ए। ये चारों मान आ गए अपने पास। इन चारों मानों को कहाँ पे रखना है, इक्वेशन में रखना है, और हमें किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है। तो रो बराबर आ जाएगा कितना, रो बराबर आ जाएगा अपना एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो माइनस का तो वन हो जाएगा ना, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर एस अपॉन ए प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश कितना है, कोस में है ना, तो कोस स्क्वायर एस अपॉन ए और इसकी होल पावर कितनी, 3/2 अपॉन में एक्स डैश, एक्स डैश वाई डबल डैश मतलब एक्स डैश कितना, माइनस साइन एस अपॉन ए इंटू में वाई डबल डैश कितना, ये भी माइनस का है, माइनस का है ना ये, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस और वन अपॉन ए साइन एस अपॉन ए। फिर माइनस का साइन अपने पास फॉर्मूले में ऑलरेडी है, एक्स डबल डैश कितना, माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बना लेगा, प्लस और एक्स डबल डैश का मान कितना है, वन अपॉन ए कोस एस अपॉन ए इंटू में फिर कितना, वाई डैश का मान, और वाई डैश अपना कितना है, कोस एस अपॉन ए, कोस एस अपॉन ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अब ये देखो साइन स्क्वायर एस अपॉन ए प्लस कोस स्क्वायर एस अपॉन ए कितना बना लेगा, वन बना लेगा। तो यहाँ से कितना आया, रो बराबर आ गया अपना वन अपॉन में, ये देखो वन अपॉन ए, यहाँ भी वन अपॉन ए, यहाँ भी कितना, वन अपॉन ए, तो कॉमन ले लूँगा ना यहाँ से, तो क्या बनेगा, ऊपर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर आ गया ए, फिर अपॉन में नीचे कितना, साइन स्क्वायर एस अपॉन ए प्लस कोस स्क्वायर एस अपॉन ए, ये क्या बन जाएगा, पूरा वन। तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के बराबर। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यही प्रूव करना था। अब देखो यहाँ से अपन एक्सरसाइज मतलब थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो यहाँ से अपने जो कर्वेचर निकालने के अपन ने तीन चार फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो नेज समीकरण वाला फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा अपन ने कार्तीय समीकरण दी हुई वो फॉर्मूला पढ़ा है, तीसरा हमने पढ़ा है कि कौन सा, अगर हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो, अगर हमारे पास नेज कार्तीय और क्या ध्रुवीय समीकरण हो, उसके लिए हम यहाँ से अब फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हम चारों फॉर्मूले एक बार के लिए एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी तीन चार फॉर्मूले आएंगे कार इनके ये निकालने के लिए, कर्वेचर निकालने के लिए। तो पहला क्या है, पहले हमने कौन सा पढ़ा था, यदि हमारे पास क्या हो, नेज समीकरण हो, क्या हो हमारे पास, नेज समीकरण हो, और नेज समीकरण किस में होती है, एस और साई में। पांच मिनट लगेंगे, एक बार फॉर्मूले आप फिर से लिख लो, सारे एक जगह हो जाएंगे। अगर नेज समीकरण हो और नेज समीकरण किस में होती है, एस और साई में, फिर ठीक है। फिर यदि हमारे पास क्या हो, कार्तीय समीकरण हो, कौन सी समीकरण हो, कार्तीय समीकरण, वो किस में होती है, एक्स और वाई में। यदि हमारे पास क्या हो, प्राचल समीकरण हो, क्या हो, प्राचल समीकरण, वो और वो किस में होती है, एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर फाई टी, ये होती है। ठीक है, प्राचल समीकरण को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये कार्तीय को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन बोलते हैं। और नेज समीकरण होती है एस और साई में। ठीक है, ये तीन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तीन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास क्या हो, ध्रुवीय समीकरण हो, क्या हो, ये हम अब पढ़ेंगे। यदि हमारे पास क्या हो, ध्रुवीय समीकरण, और ध्रुवीय समीकरण किस में होती है, आर और थीटा में, और इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि हमारे पास पोलर फॉर्म में इक्वेशन होना, तो क्या निकालते हैं, इन चारों के मैं फॉर्मूले साथ में लिखा दूंगा अलग अलग। यदि हमारे पास क्या हो, पैडल इक्वेशन हो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना पैडल इक्वेशन, यदि हमारे पास क्या हो, पैडल इक्वेशन, और वो किस में होती है, पी और आर में। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, एक और दे रखा है इसमें, यदि हमारे पास किस फॉर्म में हो, ध्रुवीय पढ़ लिया, पैडल इक्वेशन भी पढ़ लिया, हाँ, यदि हमारे पास किस में संबंध हो, पी व साई में, पी व साई में इक्वेशन, ये कितने टाइप के फॉर्मूले बनेंगे आपके, ये 6-7 फॉर्मूले है ना।
अब ये फॉर्मूले कैसे है, इनका डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूले रटने हैं आपको। इन फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीधे फॉर्मूले में आपको लिमिट वो वैल्यू रख के निकालना है। अब देखो नए समीकरण के लिए रो कितना होता है, अब ये फॉर्मूले लिखा रहा हूँ मैं, नए समीकरण के लिए रो कितना होता है, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। कितना होता है नए समीकरण के लिए रो, डी एस अपॉन डी साई। फिर क्या है कार्तीय समीकरण के लिए रो कितना होता है, कार्तीय समीकरण के लिए रो होता है 1 + y² की होल पावर 3/2 अपॉन में y". फिर क्या है प्राचल समीकरण, और प्राचल समीकरण के लिए रो कितना होता है, रो बराबर होता है x² + y² की होल पावर 3/2 अपॉन में x - x - y। ये होता है किसके लिए, प्राचल समीकरण के लिए। यदि हमारे पास क्या हो ध्रुवीय समीकरण हो, ध्रुवीय समीकरण के लिए रो कितना होता है, ध्रुवीय समीकरण के लिए रो होता है ये पावर में 3/2 है ना, ये चलती रहेगी है ना। ध्रुवीय समीकरण के लिए अपने पास होता है r² + dr/d θ² उसकी होल पावर कितनी, 3/2 r² + 2, ये आ जाएगा यहाँ से 2। फिर डी आर अपॉन डी थीटा है कितना है, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर कितना, डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। फिर माइनस और यहाँ आएगा r d2 r अपॉन में d θ² 2। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है अगर हमारे पास किस में हो, पोलर फॉर्म में इक्वेशन हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। फिर हमारे पास क्या हो पेडल इक्वेशन हो, तो पेडल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, पेडल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला रहेगा रो बराबर r dr अपॉन कितना dp। रो बराबर क्या होगा, r dr अपॉन dp। यदि हमारे पास किस में संबंध हो, पी व साई में संबंध हो, किस में संबंध हो, पी व साई में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा रो बराबर p² + d² p/dψ². यही है ना, रो बराबर p + d² p/स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर हटा दो। ये फॉर्मूले हैं आपके, ये कितने 6 फॉर्मूले हैं ना, ये आपको याद रखने हैं, ये सभी क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, तो हमने 3 तक पढ़ लिए, 3 फॉर्मूले हमने कर लिया ना। फिर पोलर इक्वेशन वाले फॉर्मूले नहीं किए, पेडल इक्वेशन वाला नहीं किया, और पी व साई में संबंध वाले, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन आएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले एक करके देख लो। पहला ही क्वेश्चन कर लेंगे, इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में कार्डियोइड है, कार्डियोइड का इक्वेशन कितना होता है, r बराबर a1 + cos θ। एक तो कार्डियोइड ये होता है, और एक होता है r बराबर a cos1 - cos θ, ये दोनों क्या होते हैं, कार्डियोइड। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, ए पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो रो स्क्वायर अपॉन में r, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब रो स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए ना, और रो की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या देखते हैं, पहले क्या देखते हैं कि जो अपना कर्व दे रखा है वो किस फॉर्म में है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि इक्वेशन यदि आर और थीटा में है तो कर्व अपना किस फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में अपना दे रखा है। और पोलर फॉर्म के लिए रो निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, r² + dr/d θ² उसकी होल पावर कितनी, 3/2 r² + 2 r 2, यहाँ पे r नहीं आएगा, 2 dr/d θ² माइनस में r d2 r/d θ² 2। ये फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो, एक तो dr/d θ हो, क्या हो, dr/d θ हो, और एक क्या हो, d2 r/d θ² हो। अगर ये दो वैल्यू अगर अपने पास हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, रो का मान निकाल सकते हैं ना। तो क्या निकालेंगे, पहले पहले हम निकालेंगे dr/d θ, क्या निकालेंगे, पहले dr/d θ।
तो इसका क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल, ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, फिर वन प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा, तो ये तो आ गया डी आर बाई डी थीटा। और अब क्या निकालेंगे, डी टू आर बाई डी थीटा टू, ये किसके बराबर होगा, माइनस ए कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब करो, अब किसका मान निकालो, अब रो के मान के लिए वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसकी होल पावर कितनी है, थ्री बाई टू है, प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस टू डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर मतलब टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर, और डी टू आर बाई डी थीटा टू कितना है, माइनस ए कोस थीटा है, माइनस ए कोस थीटा है ना यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, प्लस ए कोस थीटा, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, अब यहाँ से क्या है, अपन क्या कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी है, ए कोष्टक वन प्लस कोस थीटा, और साथ में क्या कर देंगे, जहाँ स्क्वायर है ना वहाँ पे स्क्वायर भी साथ में ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रो आ गया अपना कितना, आर स्क्वायर मतलब किसका, ए स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, अगर स्क्वायर साथ में करके लिख देंगे ना तो एक स्टेप अपनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कितना होता है, वन प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर कोस थीटा, ये आ गया स्क्वायर खोलने के बाद में। यहाँ से कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर थ्री बाई टू, यहाँ से भी स्क्वायर खोल के लिख दो, आर का स्क्वायर खोल के यहाँ से लिखेंगे तो आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर कोस थीटा, ये तो आ गया आर स्क्वायर, फिर कितना, फिर टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर, आर की वैल्यू रख देंगे ए है ना, तो क्या बना लेगा ये, ए स्क्वायर और वन प्लस कोस थीटा इंटू में कोस थीटा, ये आ गया। इसको सोल्व करो अब, ठीक है ना, इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, रो इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बना लेगा, ए स्क्वायर बना लेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर है तो दोनों मिलके कितने बनेंगे, टू ए स्क्वायर, फिर ये कितना, प्लस प्लस टू ए स्क्वायर कोस थीटा की होल पावर थ्री बाई टू। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, यहाँ भी कितना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कितना, अब देखो यहाँ से देखो एक कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से मिल जाएगा अपने को, एक कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, एक कोस स्क्वायर थीटा कहाँ है, ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा, टू ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये देखो टू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये जो तीन स्टेप है ना, इन तीनों स्टेपों से हमें क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा, टू ए स्क्वायर, तो इनको लिख दो टू ए स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर ये रहा, तो दोनों मिला के क्या बनने लगे, थ्री ए स्क्वायर, इसको भी मैंने शामिल कर लिया। अब कितना बचा है, अब बचा है टू ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस थीटा, कितना, ए स्क्वायर कोस थीटा, क्योंकि ये कोस स्क्वायर थीटा तो हम ले चुके हैं ना इसमें ए स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ से देखो टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, टू ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो टू का, तो टू की पावर थ्री बाई टू, तो ये तो क्या बना लेगा, टू रूट टू बना लेगा, टू की पावर थ्री बाई टू क्या बना लेगा, टू रूट टू, और ए स्क्वायर क्या बना लेगा, बाहर आ गया तो ए क्यूब, अंदर कितना बचा है, वन प्लस कोस थीटा की होल पावर कितनी, थ्री बाई टू अपॉन, यहाँ से देखो थ्री ए स्क्वायर, और ये दोनों मिलके भी थ्री ए स्क्वायर बना लेंगे, तो कॉमन क्या ले लूँगा, थ्री ए स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया, वन प्लस कोस थीटा की पावर वन, पावर वन क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे तो वन प्लस कोस थीटा की पावर थ्री बाई टू है, और यहाँ नीचे कितनी है, पावर वन, तो ये पावर ऊपर जाके थ्री बाई टू में से माइनस वन हो जाएगी, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, थ्री बाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा, पावर बचेगी यहाँ से वन बाई टू। अब देखो ए स्क्वायर से ए की पावर थ्री कैंसिल, अब ऊपर कितना बचा है, टू रूट टू अपॉन में नीचे कितना, थ्री, और यहाँ से लिख सकता हूँ ए भी तो है ना ऊपर ए, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस कोस थीटा की पावर 1 बाई टू। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा हम जानते हैं कितना होता है, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है,
कोस स्क्वायर थीटा बाई टू और इसकी होल पावर 1/2। ये फॉर्मूला होता है ना, बहुत बार लिखा चुका हूँ मैं। अब यहाँ से देखो, 2 की पावर 1/2 मतलब कितना, रूट टू, एक रूट टू बाहर पहले से है तो क्या बना, 2 बना और 2 को 2 से गुणा करके लिख दिया तो 4a/3 और कोस कितना, कोस थीटा बाई टू, ये आ गया अपना किसका मान, रोह का मान आ गया। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें क्या प्रूव करना है कि जो रोह स्क्वायर अपॉन आर है, क्या है रोह स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर करो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो यहाँ से और भाग भी लगा दो आर का, तो रो स्क्वायर अपॉन आर ये लिख दो। रो स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16a² / 9 और कितना, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में कितना, आर अपॉन में कितना, आर। ठीक है, आर की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो अब यहाँ से, तो ये क्या बना, 16a² / 9। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी, ये 9 है भाई, आर की वैल्यू कितनी है, a1 + cos θ, ये है ना, यहाँ से कितना, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो ऊपर कितना बच गया, ए स्क्वायर से ए कौन कैंसिल हो गई ना पावर, तो 16 बाई 9 ए और कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 + cos θ को फिर से क्या लिख देंगे, 2 cos² हाँ, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से कितना, हाँ यहाँ से कितना है, थीटा बाई टू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, तो 8a/9 किसका माना गया, किसके बराबर चल रहे हैं अपन, रो स्क्वायर अपॉन आर के बराबर चल रहे हैं, और ये क्या है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट माना है। यही क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।